हाय एवरीवन, मैं हूं सोनल और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं हिमालय हर्बल्स का जेंटल एक्सफोलिएटिंग एप्रिकॉट स्क्रब विद नेचुरल विटामिन ई का रिव्यू वीडियो। तो ये इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने इसे लास्ट मंथ बाय किया था और तब से मैं इसे कंटिन्यू यूज़ कर रही हूं। इसका प्राइस 70 रुपीज़ है जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। ये स्क्रब ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हिमालय के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल टेस्टेड नहीं होते हैं, उनमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है और साथ ही साथ उससे एलर्जी टेस्टेड भी होते हैं, तो वो हमारी स्किन के लिए 100% सेफ होते हैं। स्पेशली अगर आप टीनएजर्स हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट ही, स्किन केयर या मेकअप ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करें जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो और हमारे लिए सेफ भी हो। तो इसके जो स्क्रब है वो एप्रिकॉट स्क्रब है और इसके जो बीट्स हैं ये देखिए, इसके जो बीट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, कैमरा पिक नहीं कर रहा। ये देखिए, इसके जो बीट्स हैं वो बहुत छोटे हैं जो हमारी स्किन को बिल्कुल भी, हमारी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है और हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये हमारी स्किन पे बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल हैं और हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं और जितने भी हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स है उन्हें रिमूव कर देता है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन में वीक में एक बार स्क्रब जरूर करें अपने फेस पे, जिससे आपके जो डेड स्किन सेल्स के साथ साथ जो ब्लैक हेड वाइट हेड हैं वो भी ईजिली रिमूव हो जाएँ। अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वीक में एक बार से ज़्यादा किसी भी स्क्रब को यूज़ ना करें। ज़रूरी नहीं है कि यही स्क्रब, आप किसी भी स्क्रब को, फेस को ज़्यादा स्क्रब करना भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि आप अगर अपने फेस को ज़्यादा स्क्रब करते हैं तो आप उसका जो नेचुरल ऑयल है उसे अपने फेस से हटा देंगे, जिसकी वजह से आपका फेस एकदम ड्राई और डैमेज हो जाएगा। हमारी स्किन के लिए ऑयल बुरा नहीं होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल बुरा होता है, इसलिए अपने फेस को वीक में सिर्फ एक बार ही स्क्रब करें। अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपने फेस को वीक में नहीं, मंथ में सिर्फ दो बार स्क्रब करती हूँ या फिर एक बार ही स्क्रब करती हूँ, मैं स्क्रब ज़्यादा नहीं करती हूँ। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड या वाइट हेड की प्रॉब्लम है तो एक दो वीक तक आप कंटिन्यू हर वीक अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्क्रब ना करें, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ही स्क्रब करें। और ये स्क्रब बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, जेंटल है, वर्क बहुत अच्छा करता है और अगर आप एक ट्यूब बाय कर लेते हैं तो ये आपका इजीली 5 to 6 मंथ तक इजीली चल जाएगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप अपने फेस को स्क्रब करें तो उससे पहले स्टीम ज़रूर कर लें अपने फेस को। चाहे तो आप अपने फेस को डायरेक्ट स्टीम करें, मतलब गर्म पानी में भाप ले लें, या फिर गर्म पानी में किसी टॉवल को डिप करके उससे अपने फेस को स्टीम कर लें। उसके बाद जो जब आप स्क्रब यूज़ करेंगे तो ये आपके फेस के ब्लैक हेड वाइट हेड को अच्छे से रिमूव करके आपके फेस को एकदम क्लीन एंड क्लियर बना देगा। तो उसके बाद आप एक अच्छा फेस पैक अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उन्हें क्लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है या उन्हें बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करें, उसके बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें क्योंकि जब हम वार्म वाटर या हॉट वाटर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे फेस के सभी पोर्स ओपन हो जाते हैं और जब हम एक कोल्ड वाटर अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे सभी पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप अपने फेस को स्क्रब करें। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद भी आया, इसलिए मैं इसे अपने स्किन केयर रूटीन में भी इंक्लूड करती हूँ और इसे यूज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।